कस्टमर आते फिर सस्ता मांगते हैं सब लोग, ये 1500 की चीज आधे भाव में मांगते हैं। एक 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 आध लहंगा चोली बेचते हैं, दो भी नहीं बिकते हैं, मुश्किल से बोनी होता है, तो हमारे लिए कुछ करे तो अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप अहमदाबाद आ रहे हैं और लॉ गार्डन में ना आए तो आपकी ट्रिप बेहद अधूरी रहती है। पलक पावड़े लोग राह बिछा कर बैठे रहते हैं नवरात्रि के त्योहार की, लेकिन कोरोना काल ने यहाँ की तस्वीर बहुत अलग बयां कर रही है, क्योंकि अभी हम मौजूद हैं अहमदाबाद के लॉ गार्डन में। ये लॉ गार्डन जो जिसको अहमदाबाद का हार्ट कहा जाता है, वहाँ की तस्वीर बेहद अलग है। हर साल जैसे ही नवरात्रि करीब होती है, एक दो महीने बाकी रहती है, चहल पहल इतनी बढ़ जाती है, पाँव रखने तक की भी जगह नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पर रौनक एकदम गुम है और सन्नाटा ही सन्नाटा प्रसरा हुआ है। कोरोना ने सब जो खरीदी है मेरी होती नहीं है, नवरात्रि तो है होने वाली है नहीं, जो सरकार ने थोड़ा बहुत छूट छाट दिया होगा तो नवरात्रि हमारा थोड़ा बहुत चलो, बस ऐसा ही, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कभी है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं आते, ग्राहक ही नहीं है मेरी। छूट छाट नवरात्रि का दिया होगा तो कस्टमर थोड़े बहुत आ जाते हैं, बाकी अभी तो ऐसे कुछ है नहीं, कस्टमर आते नहीं, हम लोग कैसे बैठते हैं। हाँ वो तो है, पर अभी ओपन नहीं किया हमने, वो तो कस्टमर आते हैं, हम लोग 200-300 बताते हैं कस्टमर को, तो वो 50-100 रुपये में मांगते हैं, हमारा फ़ायदा उठाते हो तो कि भैया नवरात्रि नहीं है दे दो, तो हम ऐसे दे देंगे तो हम तो ऐसे ही नुकसान में आ जाएंगे, तो अभी कोई कस्टमर को दे देते, किसी को नहीं देते, ऐसा है। लेकिन एक समय हुआ करता था कि चनिया चोली लोग बेहद दूर दूर से आते थे, पसंद करते थे, लेते थे, और इधर सबसे बेहतरीन चीज़ होती है भावताल, और इस बार व्यापारियों ने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें जो हैं नवरात्रि के ट्रेंड्स अपने हिसाब से लेकर तो आ गए हैं। आप अलग अलग कलरफुल चनिया चोली भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी ग्राहकों की कमी है, क्योंकि ग्राहक नहीं है, सारे व्यापारी इंतज़ार करके बैठे हैं। आप बेहद सुंदर सुंदर चनिया चोली यहाँ पे देख सकते हैं, ये रंग बिरंगी चनिया चोली, इस बार बहुत सारे अलग अलग ट्रेंड्स भी आए हैं, लेकिन ये ट्रेंड्स का अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गुजरात सरकार ने मना कर दिया है कि इस बार नवरात्रि नहीं होगी। खरीदी अभी नवरात्रि जैसी नहीं होती, सीज़न होती थी हमारी, वो अभी सीज़न फेल हो गई है। अभी कस्टमर अभी आता है तो बोनी बोनी हो जाता है, बाकी कुछ होता नहीं, दो तीन दिन बाद एक आध बोनी हो जाता है। दीदी कस्टमर आते फिर सस्ता मांगते हैं सब लोग, ये 1500 की चीज़ आधे भाव में मांगते हैं मैडम, तो हम जो खरीदी रेट है वो भी नहीं निकलता है, अभी हमारा स्टॉक है वो भी सब पड़ा ही है ऐसे ही, सभी स्टॉक पूरा करके रखा था, पर अभी हमारी सीजन ही फेल गई पूरी, नवरात कोरोना की वजह से पूरी सीजन ही फेल गई है। उन्होंने अभी तो डिसीजन लिया है कि 200 लोगों को परमिशन देंगे गरबे की, और वो भी एरिया के आधार से, पार्टी प्लॉट वैसे नहीं, हमारे गिरागी वैसे पार्टी प्लॉट में सब बाहर के कस्टमर आते हैं ना, तो ही हमारी गिरागी खुलती है। वो अभी परमिशन दे दे तो अच्छा है, हमारा चल जाए गिरागी, अभी थोड़ा माल स्टॉक है वो बिक जाए, हमारी एक दुकान नहीं, इधर 110 दुकान है मार्केट में, अभी बहुत सारा लॉस हो गया है। अभी घर में से पैसे सब चनिया चोली का जमा करा था, वो सब पैसे निकल गए, अभी जो माल के जमा करके रखे थे वो पैसे ही खाते हैं सब बैठ कर करके। नए में 5-6 पैटर्न बनाते हैं, हर साल नया पैटर्न बनाते हैं, 5-6 नया पैटर्न बनाते हैं, उसमें से 2-3 पैटर्न चल जाता है।
इन लोगों को उम्मीद भी थी, थोड़ी सी आशा की किरण भी थी कि शायद अगर परमिशन दे दे तो इनका रोजगार जो है वो ज़रूर चल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जो कलेक्शन है, कच्छी वर्क जो हर साल धूम मचाते हैं। इसी के साथ इस बार जो है मिरर वर्क में भी ज़्यादा इन्होंने कॉम्बिनेशन ट्राई किया हुआ है, कलरफुल कलर्स हैं, हर सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कच्छी वर्क भी है कि उनके क्या इस बार क्या कहना है, कोरोना काल ने कितनी इनकी जीवन पे प्रभाव डाला है, क्या लग रहा है इस बार मार्केट में लोग आना पसंद कर रहे हैं? यहाँ भी तो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के डर से कोई कस्टमर अभी निकल नहीं रहा है बाहर, बराबर। तो उसके वजह से क्या हमको बहुत तकलीफ है अभी, तो अभी मार्केट पूरा एकदम मंदी है, बहुत मंदी है। जो एक आध लहंगा चोली बेचते हैं तो भी नहीं बिकते हैं अभी, मुश्किल से बोनी होता है। तो हमारे लिए कुछ करे तो अच्छा है बहुत। नवरात्रि बंद है तो भले बंद रहे, लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि कोरोना पहले नहीं जाता था। तो थोड़ा बहुत चलता है, कुर्ती वगैरह साथ सब रखते हैं तो चलता है, तो 1000-2000 का धंधा हो जाता है, तो हमारा गुजारा चलता है उसमें। नहीं तो वैसे तो हम ऐसे ही बैठे ही रहते, साल पूरा साल बैठे रहते, तो इस साल भी बैठे रहेंगे वैसा। कंपैरिजन में इस बार कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो मार्केट में चहल पहल भी नहीं देखने को मिली। 99% बहुत लॉस है हमको, क्योंकि हर एक शॉप में ना कम से कम 5-5-6 लाख का माल पड़ा है अभी तक, हर साल निकल जाता है, पर इस साल अभी नहीं निकलेगा। सभी यहाँ पे माल बनवा के रखा है, तो आते साल सभी को थोड़ा बहुत चेंज करके बेचेंगे। वैसे इस बार चनिया चोली में बिक्री नहीं हो रही, इसीलिए आपको ज़रूरतें पड़ी है कि आप कुर्ती और सलवार ये सारी भी चीज़ें रख रहे हैं? हाँ, उसके हिसाब से माल भी अलग चेंज कर रहे हैं, कुर्ती वगैरह वो सब रखते रहे। उसमें क्या थोड़ा बहुत चलता रहे हमारा भी, तो हमारा क्या टर्नओवर होता रहे अंदर, तो वो माल पड़ा रहेगा तो चलेगा, पर एक आध दो पीस बिकता रहेगा उसमें से। वैसा चलती रह रही है, बिल्कुल यही समस्या है। रोजी रोटी के लिए इन्होंने चनिया चोली के साथ साथ अब अलग जो कुर्ती समीज है इस पर भी शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि फिर आखिरकार खाना अभी करे तो कैसे करे, इसीलिए ये सारा सॉल्यूशन अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है इन्होंने खोजा हुआ है, क्योंकि सरकार ने तो मना कर दिया है कि इस बार नवरात्रि नहीं होगी, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और ये संक्रमण फैले नहीं, इसीलिए ये सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि तस्वीरें जो हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बस अब व्यापारी लोग को इंतज़ार है कि शायद इक्के दुक्के ग्राहक भी आ जाए तो कम से कम वो रोज़ घर पे जाके खाना अवश्य खा सके। बस इनकी एक ही गुहार है कि सरकार हमारी भी थोड़ी सी पुकार ज़रूर सुन लीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट उज्ज्वल ओझा के साथ सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुजरात।